अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ टीचर ऑफ ब्राइट फ्यूचर स्कूल सिस्टम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। यूट्यूब पे मैंने बहुत सा देखा कि कहीं भी कंप्लेंट चार्ट के बारे में कोई भी वीडियो नहीं थी। मैंने सोचा इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया जाए। यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर है, चार्ट है। हम अब एक वाइट चार्ट लेकर इसको रजिस्टर के ऊपर एज अ कवर, जैसे हम कॉपीज़ के ऊपर कवर को पेस्ट करते हैं, इस तरह हमने पेस्ट किया। अच्छे से चारों कोनों पर ग्लू लगाकर हमने कवर को पेस्ट कर दिया। फिर हमने इसको बिल्कुल उसके एज अ उसके साइज़ के बिल्कुल काट लिया, जिसको हम अच्छे से कवर करके उसके साथ अटैच कर देंगे। आगे आप देखेंगे इसको कितने अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल उसका साइज़ दे दिया है, अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हम डेकोर के लिए इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ज़िगज़ैग लाइन को तरजीह दी है डेकोर के लिए। यहाँ पर मैं 3 ज़िगज़ैग लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद ये देखें, 3री लाइन हमने ड्रॉ कर ली। कहीं पे भी इतना खास वीडियो नहीं था, मैंने सोचा इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, आप भी ऐसा बनाकर देखिएगा। हम जो भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करते हैं वो बहुत ही यूनिक्स होते हैं। यहाँ पर 3 हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हम इनको डिफरेंट कलर्स के चार्ट के साथ डेकोर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट्स को बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद इनको एज आ आप जितना भी साइज़ रखना चाहते हैं, एज अ स्टिकी नोट्स के तौर पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक छोटा साइज़ लिया है 5.5 मिलीमीटर का। अब हमने डिफरेंट चार्ट लेकर इनको होल स्टेपलर के साथ होल्स कर लिए हैं। इन होल्स को आपने कलेक्ट कर लेना है। देख रहे हैं मैंने डिफरेंट चार्ट्स लिए हैं यहाँ पर। इन होल्स को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमने ज़िगज़ैग लाइन ड्रॉ की थी इसके ऊपर हमने ग्लू लगाई। ग्लू लगाने के बाद हमने इनको इसके ऊपर गिरा दिया। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल ग्लू के ऊपर इसको कर देना है सबको। और जब आप बिल्कुल गिराएंगे इन सबको तो ये देखें कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन हमारे सामने क्रिएट होकर आ जाता है। यहाँ पर आपने डिफरेंट कलर के चार्ट्स को लेना है, इन पे होल्स करने हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल कलर के चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर के चार्ट्स को लिया है ताकि मेरा डिज़ाइन और आप इन सबको कलेक्ट कर लें, गिराइएगा नहीं, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैंने यहाँ पर अब एक सिंगल चार्ट लिया है सिंगल कलर में, ताकि मैं यहाँ पर कुछ डिज़ाइन अलग से कर सकूँ। अब मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू बहुत ही लाइट कलर में लिया। यहाँ पे पिंक कलर है मेरे पास, ग्रीन कलर है, इनको मैंने डिफरेंट, अब मैंने सिंगल, सबसे पहले मैंने मल्टी कलर्स में यूज़ किए, अब मैं सिंगल कलर में यूज़ करके लास्ट 2 लाइंस को क्रिएट करूँगी। आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बनकर हमारे सामने आएगा। यहाँ पे हमने इनके ऊपर ग्लू लगाने के बाद जो हमने कलेक्ट किए थे सिंगल कलर्स में, उनको हम इनके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ग्लू अच्छे से लगाएँ और इनको बिल्कुल एज अ पोजिशन में रखिएगा। ये देखें ऐसे बिल्कुल पोजिशन में रखने से इनके एक अलग ही ज़िगज़ैग वेव नज़र आएगी, जो बहुत ही यूनिक लग रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक लग रहा है इस वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ग्लू के ऊपर डालिए, बाकी को आप गिरा सकते हैं, तो एज अ ज़िगज़ैग लाइन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर एक्स्ट्रा थे उनको हमने हाथ से उतार लिया ताकि हमारी लाइन अच्छी रहे और बाद में उतर कर वो हमारे चार्ट को ख़राब ना करे। इस वजह से हमने उनको पहले ही उतार दिया। रस्ते के कांटे को पहले ही हटा देना चाहिए, तो पहले ही उतार, इसीलिए अब हमने यहाँ पर इसको क्रिएट किया। अब हम 3rd लाइन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने 3rd लाइन को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अब मैं सिंगल कलर लेकर इसकी क्रिएशन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डार्क ब्लू कलर लिया है और इसको मैं फर्स्ट पे आधा पेस्ट करूँगी, यानी एक गोल सर्कल बनाऊँगी इसका आधा, और बाकी हम आधा डिफरेंट कलर से बनाएंगे और आधा डिफरेंट कलर से। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ग्लू लगाना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर ऑरेंज कलर के होल्स को क्रिएट कर रही हूँ। अब मैंने फिर से ग्लू लगाई। अब मैं डिफरेंट कलर यूज़ करूँगी, आगे भी डिफरेंट कलर यूज़ करूँगी। ऐसे ही आपने आधे आधे होल्स ली जाने हैं उनके ऊपर डिफरेंट। अब मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है, जैसे कि ये पैरेट सा कलर है, बहुत ही यूनिक कलर्स मैंने लिए हैं। आपको जो पसंद है आप भी वो ले सकते हैं। देख सकते हैं मैंने बहुत से डिफरेंट कलर को लेकर इन 3 लाइन्स को क्रिएट कर लिया। अब आप डिफरेंट कलर के चार्ट्स लेकर उनको बहुत ही मिनिमम साइज़ का काट सकते हैं, बिल्कुल बराबर का, जिनको लेकर आप
आगे क्रिएशन में आपको दिखाऊंगी कैसे ही डेकोरेट किया है हमने इनको लेकर। आप स्टिकी नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चार्ट्स को तरजीह दी है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको बिल्कुल बराबर साइज़ में काट लें, कोई भी ऊपर नीचे ना रहे, फिर आपको क्रिएशन अच्छी नहीं लगती, इसलिए इनको बिल्कुल बराबर में रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इनको बिल्कुल बराबर साइज़ में काट लिया है। ये बहुत ही डिफरेंट कलर्स के थे, अब इनको डेकोर करने की बारी। अब इनके ऊपर आप छोटी छोटी ब्लैक होल्स लाइन ब्लैक लाइंस लगाएं, देखें ऐसे एट द डॉट डॉट्स। अब इनके ऊपर कोई भी डिफरेंट कलर का मार्कर लेकर इनके अल्फ़ाबेट्स को लिखना हमने डेकोर करने की बारी। अब इनके ऊपर आप छोटी छोटी ब्लैक होल्स लाइन ब्लैक लाइंस लगाएं, देखें ऐसे एट द डॉट डॉट्स। अब इनके ऊपर कोई भी डिफरेंट कलर का मार्कर लेकर इनके अल्फ़ाबेट्स को लिखना हमने स्टार्ट कर दिया। हम बना रहे हैं कंप्लेन रजिस्टर, तो हम COMPLAIN कंप्लेन लिखेंगे और रजिस्टर के स्पेलिंग को क्रिएट करेंगे। कंप्लेन रजिस्टर बनाने के लिए हमने बहुत से डिफरेंट चार्ट्स को लेकर इनको बनाना स्टार्ट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पी लिखा। अब बाकी सब चार्ट्स को बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने बनाना, लेकिन डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स जो आप चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, उनको लिखते जाइएगा और बनाते जाइएगा। नाउ अब बारी है हमारी पेस्ट करने की। सबसे पहले है हमारे पास सी, सी को हमने पेस्ट किया, सी को जी ग्लू लगाएं इसके ऊपर और थोड़ा टेढ़ा सा लगाएं ताकि उसकी अच्छी से वाइब्रेंस। सीधे सीधे लगाने से तो हम लिख भी सकते थे, कलर भी कर सकते थे, तो इसको बनाने का तरीका। अब यहाँ पे हमने एक हैंगर सा बना दिया इसके ऊपर, जो ऐसे शो करवाए इसको, जैसे ये हैंगिंग है जिसके ऊपर लटक रहा है। इसको हम डिफरेंट स्टाइल से टेढ़ा मेढ़ा करके लगाएंगे, जो हमारी क्रिएशन में ज़्यादा ऑसम लगेगा। अब आप आगे आगे देखेंगे कैसे हम COMPLAIN को बिल्कुल इकट्ठा करके लगा रहे हैं। इनको हमने पहले ही जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद हम इनको एम के साथ टेढ़ा करके लगाएंगे और भी बाकी सबको लगाते जाएंगे। ये देखिए कंप्लेन हो गया REGISTER। अब इन सबको हम लगा देंगे और ये आपके सामने पेस्ट होकर आ गए। अब हम इसके कोनों पे थोड़ी सी कम था, हमें लाइट लगा, हम थोड़ी सी इसकी साइड कोने और डेकोरेट करते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले हमने छोटी छोटी शॉक्स बनाई, इसको हमने मार्कर के साथ कवर कर लिया। इसको पहले पेंसिल से इस वजह से बनाया था ताकि कुछ भी गड़बड़ हो हमारे मार्कर से हो तो वो रीज नहीं हो सकती, इसलिए आप पहले पेंसिल से बनाकर ज़रूर देख लें। यहाँ पर हमने ब्लैक कलर के मार्कर से इसको दोबारा से रिक्रिएट कर लिया। अब ग्रीन कलर का मार्कर लेंगे और इसके ऊपर पत्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने गोल शेप में लीव्स को बनाया है और यहाँ पर आप थोड़े से ज़्यादा डॉट्स और थोड़े कम डॉट्स को बनाकर इसको शाइनी तौर पर थोड़ी सी अच्छी और यूनिक स्टाइल में इसको अच्छा लग रहा था, तो हमने न्यू स्टाइल्स को देखा और इन सबको कलेक्ट करके यहाँ बनाया। अब हम यहाँ पे नेम के लिए एक बॉक्स अलग से बनाएंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने एक स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में आप भी ले सकते हैं इनको क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने डबल लाइंस को लेना है ताकि ऐसा चिट लगे, जैसे चिट लगाइए, अगर आप चिट लगा सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है, लेकिन हम यहाँ पर खुद लगाएंगे क्योंकि सारा दूसरा हमने हाथ से क्रिएट किया है। तो इसी तरह अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर को यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको डार्कली, बहुत ज़्यादा डार्कली भी नहीं, डार्कली यहाँ पर हमने मार्जिन लाइन जो हमने लगाई थी, जो लाइंस हमने लगाई थी उनको हमने ब्लैक कलर से डार्क करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं इनको मैंने डार्क कर लिया है। अब इसके साइडों पे हल्का हल्का सा करेंगे, ऐसा जैसे आप स्मोकी टाइप नहीं हो जाता, जैसे अक्सर लड़कियां आईज बनाती हैं स्मोकी स्मोकी, ऐसे हम इसके कोनों पे स्मोक्स कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा हमारा, ये आप देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है। इसको हम यूं ही फुल बॉक्स पे क्रिएट करेंगे, यूं ही बनाते जाएंगे बिल्कुल। ये आपने जो बीच में अगर आपके आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे, मेरे तो थोड़े से बड़े थे इस वजह से मिड में जो हमने यहाँ पे स्टिकी नोट्स को पेस्ट किया था वो बीच में आए थे, तो मैंने वहीं से डिज़ाइन को बना लिया उसकी कोनों के साथ शेप देकर। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब मैं ब्लैक मार्कर से इसके कोनों को डार्क करूँगी ताकि अब खुद देखें कि ये आप कंप्लेन लुक देख सकते हैं जो हमने कंप्लेन रजिस्टर तैयार किया था। ये देखिए कंप्लेन रजिस्टर जो हमने तैयार किया था, आप इसकी कंप्लीट लुक देख सकते हैं, काफी यूनिक लग रहा है। अब हम आपको इसकी बैक साइड दिखाते हैं जिसको हमने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया है। देखिए इसके बैक साइड को हमने कुछ यूं डेकोर किया है,
उसकी बैक साइड को हमने दोबारा से ऊपर पिंक चार्ट लगाकर डेकोर किया ताकि इसके ऊपर काफी अच्छा लुक नजर आ सके। वही डॉट्स को हमने यूं डेकोर किया है, आप देख सकते हैं। हमने पेज को फोल्ड करके इसको यहाँ से शेप दी है जो काफी अच्छी लग रही है। आप भी ऐसे नए आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोस के लिए लाइक करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई से नई वीडियो मिलती रहे।